मैं हिंदुस्तानी आम मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता रामविलास प्रसाद बोल रहा हूँ। मैं अभी माझी जी के बैठ के वार्तालाप चल रही थी, प्रदेश अध्यक्ष भी उपस्थित थे, जैसे मेरी पत्नी का वोट सूचना गया कि बिना सूचना के हम लोगों का जो है क्वार्टर का बाउंड्री पुनः शुभारम्भ कर दिया गया। जब यहाँ आए और यहाँ के जो नियंत्रण पदाधिकारी है, मैं स्टेट से उनसे बात किया, उन्होंने कहा इस बातों पर चर्चा किया कि नहीं, ये आपको सूचना हम लोग को नोटिस चिपका दिए थे, लेकिन विगत हम यहाँ पर करीब लगभग 10-15 वर्ष से हूँ, कोई भी सूचना अभी यहाँ पर नहीं दी गई थी। और मैं यहाँ पर आया रहता हूँ, जब मिनिस्टर से बात करने पर वो पुलिस बल का प्रशासन का ध्वस दिखा कर, और मैंने जब कहा कि मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, फिर भी उन्होंने शुरुआत मेरे ही मकान से किया कि आप सत्ताधारी हैं, और सरकार में रहते हुए उन्होंने कहा कि सर हम सरकार कुछ नहीं जानते हैं, हम पार्टी के आप हैं, इसलिए हम पार्टी से ही पहले प्रारंभ करेंगे। और जबकि यहाँ तोड़ने का निश्चित रूप से है, हम कानून का विरोध नहीं करते हैं, कानून का समर्थन करना चाहते हैं और नियम का पालन करना चाहता हूँ, बल्कि ये कहना कि हम पार्टी के ही जो ये नियुक्ति है क्वार्टर से ही तोड़ेंगे, ये सबसे पहले यही प्रारंभ करेंगे, ये कहाँ का नियम है? अगर अगर उन्होंने सूचना दिया है, चिपकाया, तो हम लोग को दिखाएं, तोड़ने की कोई आपत्ति नहीं है हमको। ये बहुत घोर निंदनीय है कि बिना सूचना बिना जानकारी के तोड़ देना, ये नियम के विपरीत है, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। और मेरा अनुरोध है कि पार्टी भी इस पर अपने स्तर से कार्रवाई करे।